ओके कंटिन्यू. सो यहाँ पर हम सी टाइम फाइंड कर रहे हैं. सी टाइम सिंपली क्या है, कन्वर्ट्स अ टाइम एक्सप्रेस इन अ सेकेंड्स. तो टाइम डॉट टाइम एंड सी टाइम्स में क्या होगा, सेकेंड्स में आपको एक्सप्रेस्ड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि स्ट्रिंग के एक फॉर्मेट में रहेगा और चूंकि जैसे हमने यहाँ पर टाइम करंट वाला फाइंड किया था, सेम उसी फॉर्मेट को, चूंकि सी टाइम भी वही काम करता है जो एएससी करता है हमेशा. ठीक है, अब जीएम टाइम्स का मतलब, तो जीएम टाइम्स का मतलब सिंपली क्या करेंगे, अब प्रिंट यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑलरेडी टाइम इम्पोर्ट है तो अब प्रिंट यहाँ पर मैंने लिखा अ टाइम डॉट जी एम टाइम एंड मैंने यहाँ पर कुछ भी दिया मतलब. ठीक है, ओके कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, मैंने ऐसे ही मतलब कुछ बड़ा सा नंबर. ठीक, देखिए तो ये जिस समय का भी होगा उस समय का उसने अकॉर्डिंग दे दिया हमें. ठीक, तो ये हमारे पास मतलब इसका अलग अलग वे पे अलग अलग वर्क है. ठीक है, तो एक हमने यहाँ पर इससे कैलेंडर से रिलेटेड और भी मतलब मेथड्स पढ़े हैं और देन ओके. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर क्लॉक मेथड्स नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि क्या है कि किसी लेटेस्ट वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है. हमने इसका वर्जन देखा है और यहाँ पर हम इसको करने के लिए इसके लोवेस्ट वर्जन में जाएंगे और लोवेस्ट वर्जन में जाके आप इसका प्रैक्टिकल आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ द मतलब टाइम के हमने आपको प्रोग्राम मतलब मेथड बता दिए. अभी और भी इसमें टाइम्स के मेथड्स हैं जिनको हम आगे नेक्स्ट लैब में कंटिन्यू करेंगे और आई थिंक कि आप एक से दो बार इसको करिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने व्हाट्सएप से मतलब जो भी आपको पाइथन डेटा एंड टाइम से रिलेटेड, तो आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9125975633. सो ओके, थैंक यू वेरी मच.